श्रमिक दिवस के अवसर पर टेंडर हॉटर्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने डाक के नर्स, मछुआरा, फल विक्रेता, मछली विक्रेता, अखबार बांटने वाला, श्रमिक, राजमिस्त्री आदि के रूप में तैयार होकर उनकी भूमिका निभाई। स्कूल के निर्देशक राजीव भार्गव ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन हमें बच्चों को श्रमिक दिवस के महत्व बताते हैं। श्रमिकों को आज 1 तारीख को श्रम दिवस है, बच्चे संडे है इसलिए बच्चे आ नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों को हम लोगों ने अपने देश में श्रमिकों के महत्वपूर्ण महत्व के विषय में बताया है, जैसे डाकिया, डॉक्टर, पोस्टमैन, फिशरमैन, फ्रूट वेंडर्स, हॉकर्स, मैशन, लेबरर्स, बिना उनके हमारे देश में कोई भी काम नहीं हो सकता है, कितने महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को प्ले ग्रुप मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3 के बच्चे, 1, 2 में बच्चों को हम लोग पीपल हु हेल्प अस बताया जाता है, तो इनको हम व्यवहारिक तौर पे कोई डाकिया बन के आया है, कोई डॉक्टर बन के आया है, कोई प्यून बन के आया है, माली बन के आया है, तो बच्चे जब उस रोल में आते हैं तो वो समझते हैं कि हम क्या हैं, हमको क्या करना है और उनका महत्व क्या है। इसीलिए हम लोग हर एक वर्ष अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोग तरह तरह के फंक्शंस, जितने भी तीज त्यौहार होते हैं सभी करवाते हैं, सभी धर्मों के त्यौहार कराते हैं। अभी आगे ईद आने वाली है, पहले रामनवमी थी, बच्चे सभी तरह के रोल में बन के फैंसी ड्रेस में आते हैं और बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं कि क्या है हमारा देश, क्या है हमारी विविधताएं, क्या है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।